हेलो एंड वेलकम टू माय व्लॉग। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है फॉर असम, क्योंकि आज असम के घर घर से लोग आंखों में सपने लिए जा रहे हैं सरकारी नौकरी पाने की कोशिश करने। मतलब आज है एड्री ग्रेट्री का HS लेवल का एग्जामिनेशन। तो मैं तो कोई एग्जामिनेशन नहीं दे रही हूँ और मेरे सिलचर का भी रंग पूरा बदल चुका है। तो चलिए पूरा सिलचर का एक टूर लगाते हैं और देखते हैं शहर में क्या चल रहा है। लेट्स गो। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 4 से 5 कैटेगरी में होता है और आज है पहला दिन। सुबह 10:30 बजे से एग्जाम है और ये सुबह 8 बजे का नज़ारा आप देख ही सकते हो। बहुत सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं एग्जाम देने के लिए। आई एम श्योर कुछ लोग तो पढ़कर भी आए होंगे, पर ज्यादातर लोग भगवान भरोसे ही होंगे, क्योंकि अक्सर यही होता है कल से पढ़ेंगे और कब कल एग्जाम आ जाती है तब भगवान के ऊपर ही छोड़ा जाता है। एनीवे, यहाँ पर पुलिस बहुत ही एक्टिवली काम कर रही है और मुझे लगता है आज तो शहर की हर जगह पर पुलिस होगी। तो शहर में घूमना आज थोड़ा आसान होने वाला है क्योंकि ट्रैफिक जाम होने का चांसेस बिल्कुल कम है। तो चलिए थोड़ा घूम आते हैं। अभी हम हैं सिलचर काठल पॉइंट के सामने और ये देखिए, ये भाई साहब मेरे कैमरे के ओर इशारा कर कुछ बोल रहे हैं। अब बोलेंगे भी क्यों ना, मेरा कैमरा है ही इतना अच्छा। एनीवे, चलते हैं आगे। और भले ही शहर के हर कोने कोने में पुलिस खड़ी हो जाए, लेकिन रंगीर खड़ी पॉइंट में जाम ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एनीवे, यहाँ पर दूसरे दिन के मुकाबले काफ़ी कम था तो हम यहाँ से निकल कर बढ़ गए आगे। अभी मैं पहुंच चुकी हूँ सिलचर GC कॉलेज में। यहाँ पर आप देख सकते हो पुलिस पहले से ही तैनात है। तो अब चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं यहाँ पर कैसी चल रही है तैयारी। लोगों के चेहरे पे टेंशन, उम्मीद, कॉन्फिडेंस, भगवान बचा लेना प्लीज, ऐसे बहुत सारी इमोशंस है। हर कोई चाहता है किसी भी तरह ये एग्जाम क्रैक कर ले और फिर नौकरी तो पक्की है। पर यहाँ कैंडिडेट के साथ उनके जो घर वाले आए हैं वो तो उनसे भी ज्यादा टेंशन में है। आई होप जो ये डिजर्व करते हो उन्हें ये मिले और बाकी लोग भी अपने जिंदगी में कुछ बहुत अच्छा ही करे। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो अभी भी पढ़ रहे हैं। आई मीन लास्ट मिनट इतनी शिद्दत से कौन पढ़ता है, जरूर उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करे होंगे। होप फॉर द बेस्ट। चलिए अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे। ये देखिए, बच्चों से ज़्यादा तो उनके माँ बाप यहाँ पर परेशान होकर बैठे हैं। अभी भी एग्ज़ाम शुरू होने में लगभग 1 से 1.5 घंटा बाकी है और लोग यहाँ पर पहले से ही बैठ गए हैं। तो कैलकुलेशन के अनुसार 1.5 घंटा पहले बैठे हैं, 3 घंटा एग्ज़ाम चलेगा और 1/2 घंटा लगेगा उन्हें बाहर आने में। अरे 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 अरे, बहन संभाल के, अभी भी बहुत टाइम है। चलिए अब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेस को देखने के बाद आगे बढ़ते हैं, मतलब मेरे धन्नों के पास चलते हैं। और ये क्या हुआ, दरअसल वो काठीगोड़ा से आए हैं सिलचर एग्ज़ाम देने के लिए, पर जिस ऑटो से वो आए थे उन्होंने उन्हें गलत एड्रेस पे छोड़ दिया। अब वो अपना एग्ज़ाम सेंटर ढूंढ रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान होकर मुझसे हेल्प मांगी, तो मैंने उन्हें उनके एग्जामिनेशन सेंटर में ड्रॉप कर दिया। वैसे आज मुझे कोई काम नहीं था, मैं ऐसे ही घूम रही थी, पर मैं इनके काम आ गई। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, शायद भगवान जी की ही मर्जी थी जो मुझे सही जगह पर सही समय पर भेज दिया। चलिए अब मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं। पर ये क्या, ये भाई साहब यहाँ, अरे ये भी मुस्कुरा रहे हैं। आज तो शायद खुशी का ही दिन है। हम तो खामखाई पुलिस वालों से डरते रहते हैं, डरने की कोई बात ही नहीं है, कितने अच्छे लोग है ये। अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा है रास्ता भी बिल्कुल खाली होता जा रहा है क्योंकि ज़्यादातर लोग तो एग्ज़ाम हॉल के अंदर बैठे हुए हैं। ये देखिए, यहाँ पर पार्किंग में इतने सारे बाइक्स हैं जो मैं अगर बेच दूँ तो एक ही रात में करोड़पति बन जाऊँ। ये है वेमेन कॉलेज का गेट जहाँ पर आप देख सकते हो कुछ ही लोग बाहर खड़े हैं, ज़्यादातर लोग अंदर जा चुके हैं क्योंकि एग्ज़ाम शुरू होने में लगभग 45 से 40 मिनट बाकी है। मतलब मैं पिछले 1.5-2 घंटे से ऐसे ही घूम रही हूँ। रास्ते में ट्रैफिक काफ़ी चेंजेस किया गया है, किसी तरफ 1 वे लगाया है, किसी तरफ 9 एंट्री है, तो बार बार पूछते हुए मैं जा रही हूँ ताकि मुझसे कोई गलती ना हो और मुझे कोई फाइन ना देना पड़े।
अभी मैं लगभग प्रेमतला के आसपास हूँ और यहाँ से मैं सीधे जाऊँगी अपने घर। पर जाने से पहले आप सबको याद दिलाना चाहती हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के बारे में आपकी जो राय है वो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज के वीडियो का इतना ही सार है, बिना किसी काम से मैं गई नहीं, मुझे ले जाया गया है ताकि मैं उन्हें उनके एग्जाम सेंटर तक पहुंचा सकूं। ये तो मुझे समझ में आ गया, वरना इतनी धूल इतनी मिट्टी में कौन जाता है, वो भी बिना वजह। और यहाँ देखिए एग्जाम तो शुरू हो गया है, बाहर दुकान के सामने गार्जियंस बैठे हुए है अपने बच्चों का इंतजार करते हुए। और अब दिल थाम कर बैठिए क्योंकि आपके सामने प्रस्तुत होने वाला है रेसलिंग का महा मुकाबला। अब जितनी देर तक ये मुकाबला चला मैंने तो पूरा एंजॉय किया, फिर मेरे दिल में एक सवाल आया। आज मैं काफ़ी टाइम तक शहर में घूमती रही, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन बहुत सारे लोग आज एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ। आई नो बहुत सारे लोगों ने बहुत मेहनत किया था और मैं चाहूँगी वो अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो, लेकिन मैंने एग्ज़ाम क्यों नहीं दिया? मुझे आखिर अपने ज़िंदगी में करना क्या है? मैं ये क्या कर रही हूँ? मुझे क्या करना चाहिए था? ओह माय गॉड, ये सब सोचने के बाद आई थिंक मुझे बहुत ज़रूरी काम से डिप्रेशन में जाना है। तो अभी मैं चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।